दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, अभी सीजन चल गया है, सर्दियों का सीजन आ गया है। हमारे सारे फ्रेंड्स जो हैं शॉपिंग कर रहे हैं इस समय। त्योहारा का सीजन भी है तो गार्डन को सजाना तो पहले बनता है। घर के अंदर से पहले हम लोग जो गार्डनर लवर होते हैं, प्लांट लवर होते हैं, वो पहले प्लांट्स को जो है बाय करना, घर की चीज़ों की अपेक्षा जो प्लांट्स को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उस पर भी अगर हमको प्लांट सस्ते मिल जाएँ तो हम लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि बहुत ही खुशी का एहसास होता है। तो मेरे को भी बहुत सारे जो है प्लांट लाई हूँ मैं, और बहुत लंबे समय से शॉपिंग कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ आज। तो सस्ते भी बहुत सारे प्लांट्स हैं उसमें, और जो है कि इसके अलावा फ्री के प्लांट्स भी हैं, तो उनकी खुशी तो कुछ और ही है। तो एक एक करके मैं आपको वो सब दिखाती हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ क्या क्या लाई हूँ, फिर कितने का पड़ा है मैं आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर जो है जरवेरा है, तीन फूल इसमें खिले हुए हैं कि बेहद खूबसूरत। और ये देखिए कितना सुंदर, कब से मैं इसको तलाश कर रही थी, ये येलो कलर का। जितना सुंदर ये वैसे दिखाई दे रहा उतना कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा, इतना सुंदर जरवेरा। और देखिए एक जरवेरा का बीच में ब्लैक है, ये देखिए ये जरवेरा। और लाई हूँ इसके अलावा, ये सब मैंने जो है अपने क्यारी में रख रखी है। दोस्तों, कभी से प्लांट्स लाके सीधे जो है हम रिपोर्ट नहीं करते हैं उनको, फिर जिन लोगों के पास ऐसी क्यारी नहीं होती वो लोग जो है बड़े गमले के जिसमें पहले से पौधे लगे हैं उसमें अपने प्लांट्स को रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सुंदर जरवेरा के तीन प्लांट मैं ये लेके आई हूँ। और देखिए ये देखिए जेरेनियम, आ गया सीजन इनका। अब देखिए जो मैंने आपके पहाड़ों की नर्सरी दिखाई थी उसमें कलंचो दिखाई थी, मैं दो कलंचो लाई हूँ। मेरा बस चलता था मैं तो कितने कलंचो ले आती वहां से, कितने सस्ते कलंचो वहां मिल रहे हैं, हमारे यहाँ कितने महंगे मिलते हैं कलंचो के। और उसमें ऐसे हेल्दी प्लांट, बड़े प्लांट तो हमारी समझिए बहुत ही महंगे, और छोटे छोटे प्लांट मिलते हैं। तो ये कलंचो लाई, फिर जो है दोस्तों ये हमारे यहाँ चले न चले पता नहीं, पर बहुत सुंदर बिगोनिया, हो सकता है विंटर तो मैं इसको पूरा ही सरवाइव करवा दूंगी। मैंने लाके इसमें देखिए फंजीसाइड डाल दिया था लाते ही, क्योंकि ये रास्ते में जो है बहुत परेशानी से आया, पहाड़ों से आए हैं ये प्लांट। तो ये दो बिगोनिया के प्लांट हैं। और ये देखिए ये दो है, ये है कैंपफायर का प्लांट। कुछ दिनों के बाद इसके पूरे पत्ते जो होते हैं येलो रेड हो जाते हैं, ये सेकुलेंट है। तो दोस्तों इतने सारे प्लांट देखिए, ये सारे प्लांट जो है मात्र मेरे 250 रुपये के मैंने वहाँ पेमेंट कर रखा है। तो ये हमारी कुछ पहचान की थी पहाड़ के, हमारे गांव होता है तो वहां पर मैं गई थी, तो वहां की नर्सरी वालों से तो मैंने कहा भाई हम तो बहुत शौकीन हैं, हम कुछ प्लांट दे, तो इन्होंने ये सारे प्लांट और भी मेरे पास अगर लाने की व्यवस्था होती तो वहां इतने प्लांट हैं, इतने सुंदर हैं कि हम मन तो जैसे आप प्लांट लवर लोगों को लेते, बहुत ही खूबसूरत जगह है पहाड़ों में जो है, इतने सुंदर प्लांट हमको सस्ते सस्ते मुझे 250 रुपये में ये सब प्लांट मिले हैं। इसके अलावा एक के बारे में बताना और भूल गई दोस्तों, फ्यूशिया भी इसी में 250 में ही था। ये तो ये फ्यूशिया का प्लांट ही है, हम देखिए काफ़ी मोटा, ये मैं इस तरह का स्ट्रक्चर वाला लाई हूँ, टूटा गमला था इनका, मैंने कहा दे दीजिए ऐसे ही, ये उसी में से फ्यूशिया था। फ्यूशिया के प्लांट की वहाँ पर पूरे बेड्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े बेड्स बने हुए हैं, क्योंकि अब जो हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में ये प्लांट पहाड़ों से रेडी होके आते हैं। तो फ्यूशिया के प्लांट एक तो मैं ये लाई हूँ, ये तो मुझे उसी 250 में मिला है, और कुछ प्लांट ऐसे ही गिफ्ट में मिल गए हैं। ये देखिए ये जो है जेरेनियम आईवी का वाइट कलर का, और इसका कलर पता नहीं, डंडी भी टूट गई इसकी आते समय, देखिए ब्रांच भी टूट गई है। और ये फ्यूशिया का सीड से लगे हुए प्लांट है, लास्ट ईयर मैं यहाँ पर हल्द्वानी से लाई थी अपने, तो 60 रुपये का एक प्लांट देता, इस बार तो ये गिफ्ट में मिले हुए हैं तो इनको भी लगाते हैं। ये देखिए ये सीडम की वैरायटी, मैं जहाँ गई थी उनके यहाँ से सब प्लांट मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए ये लक्ष्मी कमल के ही कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड होते रहते हैं। और ये देखिए एक ही प्लांट है, ये सब सेकुलेंट मैं जो है गिफ्ट में लेके आई हूँ। तो दोस्तों आज आप मेरे कुछ खरीदे प्लांट देखेंगे, कुछ गिफ्ट के देखेंगे, और कुछ जो मैं तोड़ के लाई हूँ कटिंग किसी के यहाँ से वो देखेंगे। तो ये प्लांट मैं, एक मैडम है इनको प्लांट लवर हैं, उनके यहाँ गई थी तो उन्होंने दिए हैं, ये वाला जो है मेरे पास नहीं था वो दिया। और देखिए कितना सुंदर कैलेडियम दिया है मुझे, ये कैलेडियम भी मिला है। अब कुछ प्लांट से एक्सचेंज करने हैं, क्योंकि जिसके यहाँ से लाते हैं उसको कुछ देना भी जरूर बनता है। दोस्तों ये रेनिनकुलस के छोटे छोटे, उन्होंने वहाँ सैपलिंग रेडी हो चुकी है पहाड़ों में, सैपलिंग जो है बड़े करके वो जो पॉली बैग में लगा के वो सेल करेंगे, तो मैं उनसे सैपलिंग ही मांग लाई थी, 4-5 सैपलिंग उन्होंने मुझे इस तरीके से देखिए ये दे दी है। और एक कैलेडियम ये आया है देखिए कितना सुंदर। और दोस्तों ये जेरेनियम की कटिंग लाई थी, ये जो है पिंक कलर का जेरेनियम है, इसकी मैंने कटिंग लाके लगा दी है। कटिंग को लाके आपके पास समय नहीं है तो कुछ नाजुक पौधे होते हैं उनको पानी में डाल के नहीं रखा जा सकता, कई प्लांट को तो हम पानी में डाल के जरूर देते हैं, टाइम नहीं होता, पर कुछ कटिंग को फटाफट लगाना पड़ता है। ये देखिए इम्पेशन लाई थी, इम्पेशन बाहर से लाते समय इस तरह से डैमेज हो गया पूरी तरीके से, और मैं कुछ जो है वहाँ बहुत डहलिया के प्लांट्स तैयार हो रहे थे, डहलिया के प्लांट्स की कटिंग भी लेके आई हूँ।
मिर्च के पौध की सैपलिंग लाई थी, तो वो सब मैंने एक साथ ऐसे लगा दी। अब ये सब जो अच्छे रूट्स आ गए इनमें, तो ये जो है अब इनको हम सेपरेट करेंगे अलग अलग। दोस्तों कुछ दिन पहले हमारे यहाँ किसान मेला लगा था पंतनगर में, तो वहां से भी मैं ये प्लांट लेके आई। ये प्लांट जो है मुझे उन्होंने 110 का एक प्लांट दे दिया था, और ये वेरायटी तो मेरे पास थी, ये वेरायटी एक वेरायटी और लाई, उसकी ब्रांच टूट गई दोस्तों लास्ट समय, तो उसको मैंने लगा रखा अलग से। और ये देखिए एक प्लांट ये मिला मुझे गिफ्ट में, ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी की बर्मी कंपोस्ट है ये, ये भी लाई, 50 रुपए का कट्टा मिल रहा था। गार्डन में काम करने के लिए पंतनगर के जो किसान मेले ऐसी जगह का कभी जाए तो ऐसी चीजें वहीं पर मिलती है, मुझे लेनी चाहिए उस समय। तो ये 120 रुपए के मैंने ये दो ये लिए हैं, तो ये मेरे गार्डन में जो है मेरे को काम करने में हेल्प करेंगे। दोस्तों ये देखिए ये चीड़ की लकड़ी की खाद है, तो मैं जब जो बिगोनिया वगैरह लगाऊंगी, उनको पहाड़ में रहने की आदत है, तो उनके लिए थोड़ी सी वहां से नर्सरी से मैं ये खाद भी मांग के लाई हूँ। ये देखिए हमारे हल्द्वानी की नर्सरी से मैं ये पिटोनिया के प्लांट भी ले आई और इनको लगाए। ये 2 अक्टूबर को लाई दोस्तों, मैं 2 अक्टूबर को जो कुछ विशेष दिन होता है तो इन दिनों पर मैं ऐसे प्लांट लाना पसंद करती हूँ। और मेरे देखिए मैं 4 प्लांट लाई हूँ, मेरे एक प्लांट भी नहीं मरा है। ये बहुत अच्छी केयर करके इसे फंजीसाइड वगैरह मिला के लगाना चाहिए। ये देखिए खूब ग्रोथ भी कर चुके हैं। और ये देखिए एक ही कीड़ा जा रहा था तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। प्लांट को गोल शेप में रखना है और एक कलर ये है। इसके अलावा दोस्तों सरकारी नर्सरी में बहुत सस्ते प्लांट मिलते हैं, आपके एरिया में भी सरकारी नर्सरी होंगी वहाँ जाइए, 1 रुपए का एक प्लांट मिलता है, तो मैं वहाँ से भी ढेरों प्लांट लाई हूँ। यहाँ मैंने मेथी ग्रो कर दी। और ये देखिए ये सब मैंने सरकारी नर्सरी से लाके प्लांट लगाए हैं, इसमें सब्जियों के प्लांट्स हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा सीजन आ गया है, बहुत सारे प्लांट लाइए, गार्डन की जरूरत की चीज़ें लाइए। हर सीजन चल रहा है तो अपने भी गार्डन की सफाई का काम बहुत बढ़ चुका है, काफ़ी काम करने पड़ते हैं। तो आपको मैंने आज अपनी जो है गार्डन में जो शॉपिंग करी, मैंने गिफ्ट में ढेरों प्लांट जो मिले वो दिखाए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।